सो गाइस, मैं उमेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज अपने पास है महिंद्रा की थार, और भाई आपका टॉप मॉडल है AX हार्ड टॉप ऑटोमेटिक डीजल है भाई। अभी आप गाड़ी की टेल लाइट वगैरह देख सकते हो भाई, क्योंकि ये मॉडिफाइड हुई थार है, और इसकी टेल लाइट वगैरह अभी पीछे का जो पार्ट है उस पर थोड़ा पीपीएफ होगी। बाकी ओवरऑल आप भाई आपको गाड़ी का इंटीरियर वगैरह सब मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। आप बताना कैसी मॉडिफिकेशन है, क्या है, नेक्स्ट लेवल गाड़ी में मॉडिफिकेशन हो रखी है। जैसे आप इंटीरियर के अंदर जाओगे आपको फील ही नहीं आएगा कि ये थार, आप ऐसा लगेगा जैसे आप जी वैगन में आ गए हो। तो भाई सबसे पहले अगर हम गाड़ी की फ्रंट से बात करें मॉडिफाइड में क्या है, तो आपको मैट्रिक्स वाले जो है इंडिकेटर दिख रहे हैं। बाकी DRL तो इसमें है नहीं। DRL भाई है इसमें नीचे की तरफ है, और ये होगी DRL। आपके हेडलैम्प जो है ये भी आपके डुअल प्रोजेक्टर वाले हैं, तो ये दोनों मॉडिफाइड है। बाकी इसके अंदर आप यू शेप में जो आप DRL देख सकते हो। बाकी इंडिकेटर में यहाँ जो गाड़ी ऑन होती है तो आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ DRL जलती है। भाई गाड़ी की जो है ग्रिल भी जो है चेंज है। बाकी बम्पर आपके फोक लैम्प जो है भाई प्रोजेक्टर वाले हैं, अजूम के जो आते हैं, अजूम ब्रांड के है इसमें, वो भी आपके मॉडिफाइड है। गाड़ी के साइड में आप टायर देख सकते हो, टायर भी मॉडिफाइड है। और भाई वो ऊपर जो येलो लाइट है, वो जो चार पांच आप देख सकते हो ऊपर, पांच जो येलो लाइट है वो भी आफ्टर मार्केट है। अब जो है भाई हम गाड़ी की साइड से बात करें तो साइड में आप ये देख सकते हो, ये ब्लैक वाला है भाई। ये ब्लैक वाला ऐसा है जैसे इस पर आप कहीं आप चढ़ो भाई, इस पर चढ़ जाओ, कहीं नहीं टूटने वाला है, आराम से इस पर चढ़ सकते हो। ये मेरे को ब्लैक कलर में ज़्यादा पसंद है। आपका एसेसरीज एक महिंद्रा भी आपको प्रोवाइड करवा सकती है, और बाहर से भी आप मिल जाएगा भाई, तो एसेसरीज़ का पार्ट है जो इस पर ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी रेड रूट भाई आई डोंट लाइक रेड, कोई ऑफेंड मत होना, रेड अच्छा नहीं लगता, ब्लैक में ब्लैक बढ़िया लग रहा है। बाकी भाई टायर आपके मॉडिफाइड है। टायर की अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो भाई देखो इसमें आपको 18 इंच का जो है अलॉय मिल जाता है महिंद्रा का। बाकी आगे आपके भाई नई गाड़ी है, इतनी जल्दी है क्या है महिंद्रा का, देखो इतनी जल्दी इस पर रस्ट आ गया इसकी डिस्क पे। तो भाई ये सिल्वर में आपकी ये होगी कैलिपर, और भाई आगे डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक। बाकी भाई ओवरऑल आपको गाड़ी का वो दे देता हूँ, ऐसी है भाई। ये भी आपके मैट्रिक्स वाले हैं, 4x4 की भाई पैजिंग। और भाई ये देखो आप कार्बन फाइबर में इसके डोर हैंडल जो है मॉडिफाइड करवा रखे हैं, कार्बन फाइबर फिनिश में। ये थार की बैजिंग। और भाई अब तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं कराया, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अभी आपको गाड़ी अंदर से दिखाते हैं। अब जो है भाई हम गाड़ी आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखो भाई आपको हल्का सी झलक यहाँ दिखी होगी, सॉफ्ट टच है भाई, ये सॉफ्ट टच में जो है उन्होंने मॉडिफाइड करवा रखी। बाकी आपको डोर ट्रिम पर कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। और ये देखो भाई सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइन सीट, लंबर सपोर्ट, सब कुछ जो मिल जाता है। गाड़ी को बंद करते हैं। ये हो गया आपके अंदर इन्फॉर्मेशन से जो भी है रिलेटेड। ये देखो भाई इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जीप रूबीकॉन वाले हैं भाई, क्या सेक्सी लग रही है भाई गाड़ी, एक नंबर लग रही है। ये देखो भाई ऑल पूरा इंटीरियर रेड करवा रखा है ओनर ने, यहाँ जो लाइट आती है उसको हटवा दी, और यहाँ वाली जो है वाइट LED करवा दी है। बाकी आपका ऑटोमेटिक वेरियंट है भाई, तो दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो भाई अभी आपको टिक टिक, सबसे पहले यहाँ से जो इसकी बंद होती है इसको बंद करेंगे, एनिमेशन दिखाऊं भाई एक और बार, हो जा भाई ऐसे। भाई थार बन के आती है, मस्त लगती है एकदम, मतलब फील है भाई गाड़ी में। अल्ट्रा वाइड में मैं दिखा रहा हूँ आपको, बोनेट जो है पूरा आगे विजिबल रहता है। बाकी इस तरफ आपको टिकट होल्डर भाई, ये ब्लैक में ये सब करवा रखा है, ये ब्लैक में आता नहीं है। जैसे यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है ताकि थोड़ा ऐसा फील आए कि यहाँ कोई गाड़ी में बैठ रहे हैं हम, ये ग्रैब हैंडल हो गया। ऊपर देखो भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल वो करवा रखी है, इसको ऑन करते भाई, रेड कलर का अंदर ट्रीटमेंट। ये जी वैगन वाले जो है इसके AC वेंट्स, ये कस्टम सब जगह सॉफ्ट टच भाई, आर्म रेस्ट में एकदम फुल्ली लोडेड सॉफ्ट टच। बाकी ये आपके पावर विंडो के बटन हो गए, ये क्रूज़ के, ये हॉर्न। बाकी गाड़ी में आपको TPM वगैरह सब कुछ जो है मिल ही जाता है, जो कि यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो भाई। ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये हो गया 8 का, ये ट्रैक्शन, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, ये आपका 4i Low 4x4, ये इसका मैन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ये हो गया यहाँ पे जो यहाँ पर पर्सन बैठेगा वो पकड़ के बैठेगा। बाकी इसमें IRVM जो आपको है मैनुअल मिलता है भाई, कोई ऑटो डिमिंग वगैरह कुछ नहीं है,
बाकी भाई सब कस्टमाइज्ड है गाड़ी, ऑल रेड विथ रेड तो नहीं है ये, मैरून है, पता नहीं कैसा है। बाकी इसमें आप छेद वगैरह दिख रहे होंगे, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है भाई इसमें। ये होगी वैनिटी मिरर विथ कोई लाइट वाइट कुछ नहीं भाई, कस्टमाइज भाई। मेरे को इंटीरियर बहुत प्यारा लग रहा है गाड़ी का भाई, देखो क्रोम व्रोम सब एकदम ओनर ने बढ़िया एकदम बनवा रखी है ये जी भाई। मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदे को यही करते हैं एकदम से अंदर बैठते ही। ये देखो भाई लग रहे हैं ना ये भाई। चलो जी भाई ये हो गए इसका आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ये गियर वेयर मैनुअल वगैरह जो भी है मैंने आपको दिखाई दिए। रियर में भाई ये देखो इस तरफ जो है चार कप होल्डर, ये ट्रे वरे आपने ओनर ने इधर भी और उधर आपको आराम रह दोनों साइड आपको मिल जाते हैं भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन जो है वो रखे है गाड़ी में। बाकी ये क्या है भाई, पता नहीं भाई ये क्या है, ये स्पीकर वगैरह। बाकी रियर में भाई मैं आपको दिखाऊं तो अभी आपको रियर की गाड़ी पीछे आपको क्या, रियर में आपको भाई सिंपल सा क्या है, वाइपर तो मिलता नहीं आपको, डिफोगर मिल जाता है भाई। अगर हम गाड़ी की की फीचर की बात करें तो इस तरह की फिजिकल इसमें आपको की मिलती है, कोई कीलेस एंट्री वगैरह इसमें नहीं है, जिसमें आप क्या देखते हो सिंपल सा जो है आपको लो कर लो और ये साउंड का हो गया भाई। तो भाई बताओ गाड़ी कैसी लग रही है आपको भाई, मेरे को बहुत ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी। बाकी टायर अपग्रेड है भाई, ये फोर मतलब ऑफ रोडिंग वाले टायर हैं, टेल लाइट भी इसकी अपग्रेड करवा रखी है ओनर ने भाई। बाकी रियर में ऐसा कुछ है भाई आपको जैसे मैंने बताया, डिफोगर मिल जाता है, स्पेयर टायर आपका यहाँ मिल ही जाता है। बाकी रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स वाले लगवा रखे हैं भाई, ब्लैक कलर में क्या ही लग रही है गाड़ी, बस पूछो मत। अब मैं आपको जो एक बार गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ। बाकी भाई एलईडी में क्या देखते हो, आपकी पूरी एलईडी है ये, मैंने गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट कर दिया है, ऊपर मॉडिफाइड लाइट है। देखो भाई क्या ही जहर लग रही है गाड़ी, मतलब ये हेडलाइट भाई इतनी पावरफुल हेडलाइट है ना, देख लो कैसे फोकस करवाऊं भाई, आंखों में चुभ रही है, बंदा इसके सामने बैठ नहीं सकता, इतनी पावरफुल लाइट है भाई ये मॉडिफाइड, मतलब सामने जो बंदा आ रहा है वो पक्का अंधा होएगा होएगा, ऐसा सीन है भाई इन लाइटों का। तो भाई यही कुछ वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपके सामने जो स्क्रीन पे आईडी आई रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।